भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में द्वितीय दिवस में आज के सत्र में उपस्थित, अभी के सत्र में उपस्थित हम सभी के प्रेरणा के स्रोत पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, हम सभी के मार्गदर्शक माननीय रामलाल जी, युवा मोर्चा के लोकप्रिय नेता, देश की युवा शक्ति के नई पहचान मेरे प्रिय छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री मेरे अनुज, बिहार के तीसरे बार के बड़े मतों में जीतने वाले विधायक नितिन नवीन जी मंच पे बैठे हुए, युवा मोर्चा के पदाधिकारी हर सिंह जी, राहुल कोठारी जी, राजेश चौधरी जी, संतोष रंजन जी, भारत भूषण जी, सौरभ चौधरी जी, उमेश खंडेलवाल जी, शिवानी दानी जी, मुन्नी राजू जी और आज युवा मोर्चा की मंच पे बैठे हुए है तो थोड़ा आयु में बड़े लेकिन युवा दिल के भारतीय जनता पार्टी की पिछड़े मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद एसपी सिंह बाघेल जी। मित्रों, मैं अनुराग जी, उनकी टीम और तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, देश भर से आए हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करता हूं। मैंने सुना युवा मोर्चा की अधिवेशन हो रही है। अनुराग जी कुछ दिन पहले मेरे को न्योता दिए, मेरे मन में शंका था यार बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो भी चले जाऊंगा। अपना ही घर है, मैं अभी तक यहां पहुंचा हूं, आप लोगों की स्नेह के कारण पहुंचा हूं, आप लोगों की सदिच्छा के कारण पहुंचा हूं। मैं भी आप जैसे कार्यकर्ता हूं। माननीय रामलाल जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे को सरकार में भूमिका दिया, आपको देते तो आप भी मेरे से अच्छा काम करते। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचा हुआ हूं, मैं यहां आने के कारण मेरे मन में अत्यंत हर्ष है, मैं आभार प्रकट करता हूं। आज हम लोग युवा मोर्चा की अधिवेशन में इकट्ठा हुए हैं। मित्रों, ये सफलता के साथ ये अधिवेशन पूरा होने वाला है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको उद्घाटन किए हैं। युवा मोर्चा के अधिवेशन में जब देश भर की नौजवान इकट्ठा होते हैं, मौजूदा राजनीति के बारे में चर्चा की जाती है, हमारी विचारों के बारे में चर्चा की जाती है, हमारे मूल विचारों के बारे में चर्चा की जाती है। आज हम भारत की गरीबों के आशीर्वाद के कारण शासन की भूमिका में है, देश की सेवा करने की भूमिका में है, अनेकों राज्यों में सेवा करने की जन आशीर्वाद हम पे मिला है। एक सरकारी दल की युवा संगठन के नाते, जिम्मेवारी संभालने वाले युवा दल की युवा संगठन के नाते हमारी भूमिका और बढ़ जाती है, हमारी जवाबदेही और बढ़ जाती है। हम इस अधिवेशन में इसको भी निर्णय करने वाले हैं, आने वाले दिनों में हमारी राजनीतिक रणनीति भी क्या होने वाला है। अभी अभी हमने प्रस्ताव पारित किया। मित्रों, ये अधिवेशन सफल हो चुकी है, मैं आपको बधाई देता हूं इस सफल अभिनंदन के लिए, अधिवेशन के लिए। मित्रों, मेरे को विषय दिया गया पूर्वी भारत की विकास के बारे में। अधिवेशन तो हो रही है राष्ट्रीय स्तर की, उसको अलग से पूर्वी भारत की विकास ऐसा विषय आपने क्यों चुना? मैं सबसे पहले
युवा मोर्चा के नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने देश के सामने ऐसे एक अलग प्रकार के विषय को रखा, राष्ट्रीय अधिवेशन में रखा, देश भर के कार्यकर्ताओं के सामने रखा कि जब तक पूर्वी भारत की विकास नहीं होगी, भारत की विकास की कल्पना असंभव है। ये मेरे उक्ति नहीं है, चुनाव की पहले, चुनाव की बाद, अभी तक जितने भी सारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण हुए हैं, हम सभी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी इसी विषय पे जोर दे रहे हैं। अगर भारत माँ की पूर्ववर्ती इलाका एक बाजू एक बाहु सशक्त नहीं होगी, तब संपूर्ण भारत माँ की विकास की कल्पना असंभव है। आज इसीलिए मैं युवा मोर्चा के अंदर जो युवा कार्यकर्ता देश भर के आए हैं, पूर्वी भारत की चुनौती क्या है, सरकार की रणनीति क्या है और ये विकसित क्यों होनी चाहिए, मैं दो तीन भाग में इस विषय को कम समय में आपके सामने रखना चाहूंगा। मित्रों, अभी अभी एक विश्व स्तर की विश्वविद्यालय की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी हुई जिसमें एक तुलना की गई, 25 अफ्रीका की देश और भारत की 8 राज्य, दोनों की आबादी लगभग एक जैसा है। वह राज्य है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश की कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश की कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, ये सब इलाका के साथ तुलना किया गया। मित्रों, भारत एक विकसित देश है, विकासशील देश है, हम आगे बढ़ रहे हैं। जिन परिवार के हाथ में, जिस पार्टी के हाथ में लंबा समय शासन रहा, वही लोग आज, जो लोग इस देश को गरीबी रखने में प्रमुख गुनहगार है, जो लोग गरीबों के नाम पे वोट पाके उनको और गरीबी की ओर ढकेल दिए, ये लोग आज गरीबी ढूंढने के लिए देश में प्रवास कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज अगर पूर्वी भारत को राष्ट्रीय औसत से पीछे रखा गया है, अफ्रीका के देश के समान रखा गया है, मित्रों इसकी प्रमुख गुनहगार कांग्रेस पार्टी है और उनके मुखिया की परिवार गांधी परिवार है। मैं तथ्य के साथ कहना चाहूंगा, जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा, और अगर आज गोरखपुर से लेके बंगाल की खाड़ी तक नॉर्थ ईस्ट की समूचा इलाका में आज विकास नहीं हुआ है, उसके लिए प्रमुख कारण भारत में लंबे समय शासन करने वाले राजनीतिक ताकत रही है। मित्रों, अगर हम आंकड़े में देखें, पीने की पानी कहिए, सिंचाई योजना कहिए, स्वच्छता के बारे में, टॉयलेट के बारे में कहिए, खेतों में उपजाऊ जमीन के बारे में कहिए, सकल घरेलू आय के बारे में कहिए, या पर कैपिटा इनकम के बारे में कहिए, या घरों में एलपीजी कनेक्शन के बारे में कहिए, या घरों में बिजली पहुंचाने के लिए बारे में कहिए, ये सारे आंकड़े अगर हम गिनाते हैं, पूर्वी भारत जिसके नाम मैंने लिया भूगोल की दृष्टि से, विंध्य की इस्पात, गोरखपुर से लेके हिमालय की तराई से लेके बंगाल की खाड़ी तक, ये इलाका सारे संसाधनों के बावजूद, सारे संसाधनों के बावजूद अगर दुनिया के संसाधन हम ढूंढेंगे। मित्रों, अभी अभी किसान की एक रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, अगर देश में पानी कहीं है तो पूर्वी भारत में पानी है, गंगा हो या सुवर्णरेखा हो या ब्राह्मणी या महानदी जैसे नदी हो, ये नदियां ये पूर्वी भारत में बहती है, लाखों गैलन लीटर पानी समुद्र में चली जाती है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जमीन है, उपजाऊ जमीन है, लेकिन खेतों तक पानी नहीं पहुंचती है। मित्रों, अगर पूर्वी भारत के कामकाजी लोग भारत के दूसरे हिस्से में ना जाए, दिल्ली ना पहुंचे, मुंबई ना पहुंचे, पंजाब ना पहुंचे, शायद वहां की पंजाब, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश की विकास में बाधक हो जाएगी। मित्रों, ये स्थिति आज क्यों है? कौन नहीं चाहता है अपने घर में रह के रोजी रोटी कमाए, बूढ़े माँ बाप की सेवा करें, ये कौन नहीं चाहता है? मित्रों, जिनके हाथ में व्यवस्था लंबा समय तक रही, वोट तो उन्होंने लिया,
लेकिन देश की संतुलित विकास नहीं किया। इसलिए आज पूर्वी भारत समुद्र तट होने के बावजूद, पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जमीन होने के बावजूद, जंगल संपदा होने के बावजूद, खनिज संपदा की कोयला हो, लोहा हो, मैंगनीज हो, इसके अपार भंडार रहने के बावजूद और कामकाजी लोगों की अपार भंडार होने के बावजूद आज ये इलाका पिछड़ा है। मित्रों, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री उस समय में उस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, वो घूम घूम के इस बात को कह रहे थे कि हमारी सरकार आई, हमको सेवा करने को मौका मिला, तो हम पूर्वी भारत को अन्य इलाके के साथ आगे ले जाने की योजना बनाएंगे। मित्रों, यह हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं था, यह हमारे लिए एक घोषणा केवल नहीं था, यह हमारे लिए एक वैचारिक प्रतिबद्धता था, यह हमारा एक संकल्प था। आज हम तीसरी बार बजट स्थापित किए हैं, आज हम तीसरी बार रेल बजट स्थापित किए। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी भाषण देते हुए एक तथ्य रखा था कि यूपीए की 10 सालों के अंदर रेल विभाग सालाना 15,000 से 20,000 करोड़ रुपया की सकल खर्चा कर पाता था, लेकिन जब 2 साल की एनडीए की सरकार आई है, आज हम 32,000 करोड़ रुपया सालाना खर्चा कर पा रहे हैं। ये सब काम ज्यादा कहाँ हो रहा है? सब ज्यादातर काम पूर्वी भारत में हो रहा है। मित्रों, आज पूर्वी भारत में सरकार ने योजना बनाई है दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए। जब तक खेत नहीं बढ़ेगा, जब तक कृषि को एक लाभजनक फसल करके हम बनाएंगे नहीं, जब किसानों को अपनी उपज की सही दाम नहीं मिलेगा, सही बाजार नहीं मिलेगा, तो उसकी विकास संभव नहीं है। मित्रों, जहां जहां हमको राज्य में शासन की जिम्मेदारी मिली, वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, अभी अभी आज की सभा में मैंने सुना छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यहां आएंगे, वो अपने बातों में कहेंगे उन्होंने कैसे उन राज्यों की विकास किया है। मित्रों, केंद्र सरकार पूर्वी भारत की दूसरी हरित क्रांति के बारे में योजना किया है। कृषि मंत्री यहीं से आते हैं, इस इलाका से आते हैं। आज सिर्फ कृषि नहीं, ब्लू रिवॉल्यूशन की बात कहा गया है, मछली पालन के माध्यम में नौजवानों के अंदर रोजगार बढ़ाना, मछली की उपलब्धता बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी के साथ, न्यूट्रिशन फूड के साथ रोजगार की भी बात कही गई है। आज बजट को अगर हम देखें, बजट की बड़ी भारी हिस्सा आज इन कामों में खर्चा हो रही है। जनधन की योजना शुरू हुई है, जनधन में 20 करोड़ नए बैंक अकाउंट खोला गया है, 30,000 करोड़ की डिपॉजिट हुई है। अगर मैं मित्रों आंकड़ा देखूं, किस इलाका में सबसे ज्यादा जनधन के अकाउंट खुला है, तो पूर्वी भारत में जनधन के अकाउंट खुला है। आवश्यकता हुई थी मित्रों, आज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बनी है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना बनी है। 12 रुपया की बीमा करने से 2 लाख की मुआवजा एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाने से मिलेगी, स्वाभाविक मृत्यु होने से 330 रुपया की बीमा करने से 2 लाख रुपया की मुआवजा मिलेगी। मित्रों, इसकी लाभ सबसे कहां ज्यादा मिली है? पूर्वी भारत में मिली है। मित्रों, आज हमारी सरकार की कल्पना है स्किल इंडिया के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए भाषण से रोजगार नहीं मिलती है, उनको उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, इनकी कुशलता बढ़ानी पड़ेगी, उनको रोजगार मिले ऐसे व्यवस्था करना पड़ेगा, ऐसा शिक्षा देना पड़ेगा। आज सरकार अलग विभाग बनाया, उसकी सबसे ज्यादा कहीं लाभ मिलेगी तो मित्रों पूर्वी भारत को मिलेगी। मित्रों, स्टार्टअप इंडिया की बात कहा गया है, स्टार्टअप इंडिया में विशेष करके दलित आदिवासी नौजवानों के लिए हमको कहा जाता है हम दलित विरोधी है। मित्रों, मैं चुनौती देता हूं, जो लोग
आज घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं दलित हितों के बारे में, वो दिखाए कोई नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कोई योजना उन्होंने बनाई थी। पिछले दिनों में सिर्फ ऐसे वर्गों को नौकर बनाने के लिए, सर्विस देने के लिए योजना बनी थी। मोदी जी ने योजना बनाई, 500 करोड़ रुपया की अलग बजट व्यवस्था किया सिर्फ दलित और आदिवासी नौजवानों के लिए। ये नौकरी मांगेंगे नहीं, स्टार्टअप के माध्यम से ये नौकरी देने की स्थिति में आएंगे, ये एम्प्लॉयर बनेंगे, ये मालिक बनेंगे। मित्रों, अगर उसकी अगर मैं आंकड़े में हिसाब करूं, आबादी को मैं अगर गिनूं, कहां देश में सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित वर्ग के लोग रहते हैं, उसकी बड़ी भारी संख्या पूर्वी भारत में रहते हैं। मित्रों, ये योजना है सरकार की पूर्वी भारत के बारे में। मित्रों, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में दो तीन विषय, जिस विभाग के कामकाज मैं संभाल रहा हूं उसको अगर मैं कहूं, ऊर्जा ये देश के विकास की पहला आवश्यकता है। कल शायद पीयूष जी ने यह भाषण दिया होगा, गांव गांव में कैसे बिजली पहुंचाने के लिए उनकी योजना है, कैसे खेतों में अलग बिजली लाइन पहुंचाने के लिए योजना है, पर्याप्त मात्रा में घर में बिजली पहुंचाने के लिए योजना है, निरंतर खेतों को बिजली पहुंचाने के लिए कैसे योजना है। कांग्रेसियों ने तो यूपीए के शासन के समय में तो कोयला बाहर से लाना पड़ता था, देश में कोयला था, कोयला को चंद पूंजीपतियों के हाथ में औने पौने दाम पे बिना पैसा के उनको दान कर दिया गया था। आज की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष जी के विभाग ने ऐसे कोयले को भारत की तिजोरी तक पहुंचाया, उसमें जो मुनाफा मिलेगी ये संपत्ति देश की सामान्य लोगों की है। कोयले की नीलामी होके तिजोरी में जाए उसकी लाभ पूर्वी भारत को मिलने वाला है। खनिज संपदा की पहले बिना मूल्य की पूंजीपतियों को दे दिया जाता था, आज नीलामी होगी, नीलामी से जो उपलब्ध अर्थ राज्यों की जाएगी। सबसे ज्यादा खनिज संपद कहां है, पूर्वी भारत में है। मित्रों, मैंने एक हिसाब लगाया, एलपीजी कनेक्शन देश में 100 में से 60 घरों में है, 100 में 60 घरों में है। ये किन घरों में है, किन घरों में नहीं है, देश की संपन्नों के घर में, देश की मध्यवर्गियों के घर में एलपीजी पहुंच चुका है। अगर एलपीजी कहीं नहीं पहुंचा है तो देश के गरीबों तक नहीं पहुंची है। मित्रों, जब माननीय नरेंद्र मोदी सरकार बनाए, उन्होंने देश के सामने एक वचन दिया कि मेरे सरकार देश की गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, देश की नौजवानों के लिए समर्पित रहेगी, देश की महिलाओं के लिए समर्पित रहेगी। मित्रों, यह हमारे लिए नारा नहीं था, यह हमारे लिए सिर्फ घोषणा नहीं था, हमने क्रियान्वयन किया, हमने योजना बनाई। पहले तो प्रधानमंत्री ये फैसला किए कि जिन लोगों की अपनी जेब में ताकत है, ये वे अपने जेब से अपने रसोई चलाए, अपने जेब से अपना किचन चलाए, सब्सिडी सरकार से ना ले। मित्रों, सरकार के सामने विकल्प था, हम डंडा लगा के सब्सिडी छुड़वा सकते थे, लेकिन हमने, प्रधानमंत्री जी ने उचित माना देश की जनता को निवेदन करने के लिए। मित्रों, साल भर पूरा नहीं हुआ है, मोदी जी ने निवेदन किया जनता को, मैं आज आपके सामने एक सुखद संवाद देना चाहूंगा, 80 लाख से ज्यादा लोग स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि एक रुपया की सब्सिडी बचेगा तो किसी गरीब मां के घर में हम पहुंचा देंगे। मित्रों, हमने पिछले साल भर में 50 लाख लोगों के घर में रियायत दर में नया गैस कनेक्शन लगाया, महिलाओं की आंखों में से आंसू पोंछने का काम किया। इस बार बजट में प्रधानमंत्री जी ने एक नया योजना शुरू किया है, उज्ज्वला योजना, जिन गरीबों के घर में, जिन बीपीएल परिवारों के अंदर
एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उनको एलपीजी की नया कनेक्शन लेना भी दिक्कत है, 3-4 हजार रुपया की खर्चा करना भी दिक्कत है, यही चुनौती है। मित्रों, हमने इस बार बजट में प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने अर्थ की प्रबंधन किया है, 2000 करोड़ रुपया गरीबों के अंदर नया एलपीजी कनेक्शन लगाने के लिए योजना उज्ज्वला के नाम पे शुरू होने वाला है। मित्रों, अगर मैं उसको हिसाब करूं, ये कनेक्शन सबसे कहां ज्यादा लगने वाला है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगने वाला है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब देश की औसत 60 है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 है। बिहार में लगने वाला है, बिहार में 100 में से 30 लोगों के घर में एलपीजी है, गरीबों के घर में एलपीजी नहीं है। झारखंड में लगने वाला है, बंगाल में लगने वाला है, मध्य प्रदेश की अंदर लगने वाला है, छत्तीसगढ़ में लगने वाला है, उड़ीसा में लगने वाला है। मित्रों, मैंने योजनाओं की कई सारे गिनती किया, अभी तक देश में 15,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है, हम नया 15,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बनाएंगे। कहां बनेगा? जगदीशपुर से लेकर हल्दिया तक पाइपलाइन बनेगा, रांची से लेकर पारादीप तक पाइपलाइन बनेगा, पारादीप से लेकर नागपुर तक पाइपलाइन बनेगी, वो आगे सूरत तक जाएगी। मित्रों, विकास की गंगा अभी पूर्वी भारत में बहने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में। हमें कोई भेदभाव नहीं करना है, पूर्वी भारत विकसित होगा तो पूर्वी भारत के लोगों की जो क्रय शक्ति बढ़ेगी, वहां जो रोजगार मिलेगी, लोगों की खरीदारी बढ़ेगी, उसकी लाभ पंजाब की स्वेटर बनाने वाले कंपनी तक भी पहुंचेगी। चेन्नई में, मद्रास में जो बेनियन बनाने वाले लोगों की कारखाना, वहां भी पूर्वी भारत की अर्थनीति वहां तक पहुंचेगी। महाराष्ट्र की, नागपुर की दवाई कंपनी तक पहुंचेगी पूर्वी भारत की अर्थनीतिक संपन्नता। मित्रों, मोदी जी ने ये कल्पना किया है, ये योजना बनाई है, पूर्वी भारत जब अपने आप में स्वयं संपूर्ण होगा, तभी जाके भारत माँ दोनों पैरों में, दोनों भुजाओं में मजबूती से आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है पूर्वी भारत की अर्थनैतिक विकास। मित्रों, हम सब लोग इस कैंपेनिंग में लगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं युवा मोर्चा की कार्यकर्ता रहा हूं, पिछले 30 साल से देश की युवा छात्र आंदोलन में जुड़ा हुआ हूं। मित्रों, अभी आजकल एक नई प्रकार की असहिष्णुता देखने को मिलती है, जो लोग ये पचा नहीं पाते हैं कि एक गरीब की लड़का, एक चाय बेचने वाले की लड़का, बर्तन मांजने वाले की लड़का आज देश की सेवा कर रहा है, दिल्ली में बैठे हुए सामंतशाहियों को ये हजम नहीं हो रहा है, ये घेराबंदी करने अभिमन्यु की चक्रव्यूह रचा जा रहा है। मित्रों, बेबुनियादी बातों को आज, बेतुकी बातों को आज तर्क दिया जा रहा है। जो लोग, मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं, आप ही की सरकार के मुखिया रहे मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि देश की विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की अमन चैन के लिए जितना ही खतरा भारत की बाहर से है, उतना ही खतरा भारत के अंदर बंदूक की दम पे, गरीबों की बातों पे बहाना करके देश में अस्थिरता पैदा करने वाले, नक्सली हिंसा में विश्वास रखने वाले लोग उतना ही खतरनाक है। राहुल गांधी जी, आपको तो आपकी नेता को कभी सम्मान रहा नहीं, आपकी प्रधानमंत्री को कभी सम्मान आपने दिया नहीं, आपने उन्हीं की हुई फैसला को आप ही की सरकार की हुई फैसला को नॉनसेंस कह के पेपर फाड़ दिए थे। आप क्या हिंसा बढ़ाना चाहते हो? जो चंद लोग और कुछ सामंतशाही परंपरा के लोग, जिनको परिवर्तन हजम नहीं हो रहा है, जिनको गरीब घर की लड़का प्रधानमंत्री बन चुका है, ये बात पसंद नहीं हो रही है, आज एक नया तर्क दे रहे हैं। क्या देश में हम
नक्सली हिंसा को दोबारा बढ़ावा देने की माहौल खड़ा करे। अनुराग जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने आज अपना भाषण देते हुए आह्वान किया है। इतना ही आह्वान किया है जो तथाकथित छात्र नेता को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल देते हुए जो टिप्पणी दिया है, मैं अपेक्षा रखूंगा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उसको खुद पढ़े और देश के नौजवानों के सामने हम उसको इस वितर्क को ले जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे देश को टुकड़े करने वाले लोगों को हम चुप से सहेंगे या उनको वैचारिक उत्तर देंगे? ये जिम्मेवारी युवा मोर्चा के कंधे पे है। मैं युवा मोर्चा से अपेक्षा रखूंगा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। मित्रों, ये सुखद संयोग है, हम मथुरा में उपस्थित हैं। पंडित दीनदयाल जी के नाम मथुरा से जुड़ा हुआ है। दीनदयाल जी के पंडित जी की जो हमारे मूल मार्गदर्शक रहे, जो हमको एक जीवन दृष्टि दिया, उनकी शतवार्षिक इसी साल हम मनाने वाले हैं। युवा मोर्चा इस अधिवेशन में कुछ योजना घोषणा करे, कुछ योजना बनाए, देश के नौजवानों के अंदर, विशेष करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अंदर इस मिशन को, इस अंत्योदय योजना को एक राजनीतिक प्रशिक्षण के नाते हम हिस्सा बनाए, ये मेरा निवेदन रहेगा। अंत में मेरे वाणी को विराम देने की पहले मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा कि आज 30 साल के बाद भारत के गरीब लोगों की आशीर्वाद से, भारत के नौजवानों के आशीर्वाद से, भारत की महिलाओं के आशीर्वाद से एक सामान्य व्यक्ति जिनके पिताजी का कोई परिचय नहीं था, इतना ही परिचय था कि वो चाय बेचते थे, उनकी माँ प्रधानमंत्री नहीं थे, उनकी माँ कोई राज रजवाड़े के घरानों से नहीं थे, उनकी माँ की इतना ही परिचय था कि वो बर्तन किसी की दूसरे घर में मांजती थी, स्वाभिमान से अपने परिवार चलाता था। क्या ऐसे नेतृत्व को हम सफल होने नहीं देना चाहिए? क्या ये समाज की मित्रों में इतिहास को याद करवाना चाहता हूं, पुरानी बातों को याद करवाना चाहता हूं? समाज में जब परिवर्तन होती है, समाज में जब नई बात आती है, समाज में जब नई नेतृत्व आती है, उसको परंपरावादी लोग हजम करना मुश्किल होती है। आज देश में ऐसा ही है। आज हम सब मिलजुल के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है, देश के गरीबों के बारे में कल्पना है, देश के नौजवानों की रोजगार बढ़ाने की जो कल्पना है, देश की माताओं को स्वाभिमान से जीने के लिए जो कल्पना है, इस कल्पना को हम राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह के नेतृत्व में पार्टी की जो नए कलेवर हुआ है, नई ताकत बनी है, हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति संगठन करके खड़े हुए हैं। आज हमारी युवा संगठन के नाते चुनौती है समाज की नए वर्गों में, समाज की वंचित वर्गों में, जहां पार्टी नहीं है उस वर्गों में पार्टी किस विचार को, नेतृत्व किस विचार को ले जाए। इतना ही निवेदन करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। आपने बुलाया, आपने दो शब्द कहने का मौका दिया, आपका अनेक अनेक धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद।